नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो एक न्यूज का बारे में हम लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये न्यूज है ना, जो बहुत पुराना न्यूज है, मतलब 2020 जैन नहीं तो पेपर में जो आया है, जो निकल गया सभी न्यूज पेपर में, सभी सोशल मीडिया में जो निकल गया, सभी लोग को जानता होगा। आप जो हमारा थंबनेल से आपको पता होगा हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ बोल के, या हम लोग को आरओ वाटर को इंडिया में, आरओ वाटर प्यूरिफायर को जो इंडिया में जो बैन करने वाला है, नहीं तो नहीं करने वाला है, उसका बारे में हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब आरओ वाटर प्यूरिफायर अभी अभी का टाइम में सभी का घर में जो एक हाउस, सभी का जो हाउस में जो रहता है आरओ वाटर प्यूरिफायर। अब जो सिटी से नहीं तो रूरल विलेज जाने से भी सभी का घर पे आरओ वाटर प्यूरिफायर रहता है। क्यों बोलने से, वो टेस्ट वाला पानी को जो पीने के लिए सभी लोग को यूज करता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट वाला पानी में सभी मिनरल्स होना चाहिए। अगर मिनरल्स नहीं रहने से ओवर द पीरियड आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोगों को कुछ शरीर को जो इफेक्ट, आपका जो हेल्थ का प्रॉब्लम आने के लिए आने का बहुत चांसेस है। इसीलिए जो आरओ वाटर प्यूरिफायर को बैन करने के लिए हमारे इंडिया को जो डिस्कशन होते रहता है, लेकिन अभी का 2020 में जो न्यूज आया है, जो क्या न्यूज बोल के मैं बोलता हूँ, ठीक है। एनजीटी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या किया, किधर भी मतलब आरओ वाटर प्यूरिफायर को बैन करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था, क्यों जो रेकमेंड किया, जो क्या स्टेटमेंट है अभी, मतलब कहीं भी, मतलब किधर किधर जो टीडीएस लेवल 500 मिलीग्राम पर लीटर का नीचे रहने का जगह पे आरओ वाटर वाटर प्यूरिफायर को जो बैन करने के लिए वो रेकमेंड किया था। मतलब टीडीएस बोलने से सभी लोगों को मालूम है, टीडीएस के बारे में मैं अलग वीडियो डाल चुका है। टीडीएस मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल अमाउंट, आई मीन इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या है, इट मे बी अ साल्ट और इट मे बी अ हैवी मेटल। साल्ट मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, सभी कुछ है, सब कुछ मिनरल है, ठीक है। सो वही टीडीएस है, जो टीडीएस को जो मेजर करने के लिए हम लोग को टोटल कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी मीटर बोल के है, मतलब टीडीएस मीटर बोल के मार्केट में है, वो लेके आप टीडीएस को जो चेक कर सकता है। मतलब आपको जो पीने का वाटर में 500 मिलीग्राम पर लीटर टीडीएस लेने से अच्छा है, अच्छा है बोल के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सभी ऑर्गेनाइजेशन वो रिकमेंड कर रहा है। नहीं तो 300 मिलीग्राम पर लीटर रहने से बहुत बहुत अच्छा है बोल के बोल रहे हैं। लेकिन आप आरओ वाटर प्यूरिफायर जो वाटर से जो निकल रहा है, जो वाटर जो फाइनल वाटर जो निकल रहा है, उसमें आप चेक करने से वो टीडीएस बहुत कम रहता है। अगर आप कैन वाला वाटर भी ले लो, नहीं तो वाटर बॉटल ले लो, कोई भी टीडीएस को चेक करो, उसमें आप दे सकता है वो टीडीएस का बहुत बहुत कम रहेगा, मतलब लेस देन 10 ppm, लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर का नीचे रहता है। अगर ऐसा वाला 10 मिलीग्राम पर लीटर 10 ppm का जो वाटर टीडीएस वाटर टीडीएस रहने का वाटर को हम लोग को पीने से हम लोग को जरूर हम लोग को हमारा शरीर को अच्छा नहीं है, ओवर द पीरियड हम लोग को डिजीज आने का बहुत चांसेस है। सो इसीलिए वो एनजीटी एमओएफ का, मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अवर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उसको रिकमेंड किया था किधर किधर जो 500 मिलीग्राम पर लीटर का जो नीचे टीडीएस रहने का जगह पे जो आरओ वाटर नहीं यूज करना बोल के वो रिकमेंड किया था। लेकिन ये लोगों को क्या बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं नहीं अभी का कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग को है, इसलिए हम लोग को 4 महीना हम लोग को टाइम दीजिए, उसका बारे में मैं आप लोग को डिस्कस करके कुछ कंट्रोल करने के लिए आरओ वाटर प्यूरिफायर को कुछ ना कुछ फीचर ऐड कर सकता है, नहीं तो दूसरा कुछ चेक कर सकता है बोल के वो बोला था। उसका टाइम में दिसंबर 2020 का एंड में इसका डिस्कशन, नहीं तो इसका कुछ क्या जो डिसीजन लिया उसका बारे में आना, मतलब रिलीज होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका क्या है, उसका डिटेल्स अभी तक नहीं आया, ठीक है। ये क्यों ना मैं आप लोग को बोलने के लिए जा रहा हूँ, अभी आप आरओ वाटर प्यूरिफायर आप लगाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, पहले आप क्या करना, आपका ड्रिंकिंग वाटर को चेक करना है। ड्रिंकिंग मतलब अभी जो जो यूज कर रहे हैं ना, अभी जो यूज कर रहा है जो ड्रिंकिंग वाटर, उसमें चेक करना क्या क्या जो मिनरल्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चेक करना, उसी का हिसाब से आप लगाना है। मेरे काल से अभी अभी मान लीजिए मैं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट तो तमिलनाडु, मेरा डिस्ट्रिक्ट में क्या है जो कडलूर मतलब तमिलनाडु से एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो मेरा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, अभी देखो मेरा डिस्ट्रिक्ट में
TDS 500 मिलीग्राम पर लीटर मेरे को रहते हैं, मतलब 500 मिलीग्राम लीटर TDS अच्छा है, हम लोग को ऐसा पी सकता है। लेकिन मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा जो पानी पे स्मेल आ जाता है वो क्या है, उसका वाटर जो क्लियर नहीं है, उसमें क्या है वो सैंड कलर का कुछ स्मॉल स्मॉल सब्सटेंस इसमें रहता है, उसको फिल्टर करने के लिए मैं RO लगाने का जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं क्या कर सकता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, फिर सैंड फिल्टर, यूवी यूएफ ऐसा लगा के मैं वाटर को फिल्टर करके अच्छा वाला पानी में पी सकता है। लेकिन मैं RO भी लगा दिया, मतलब RO मतलब क्या है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सभी स्मॉल स्मॉल मैं तो बोला ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों को फिल्टर करता है। ऐसा करने का मेरे को क्या है, मेरे को वही नहीं चाहिए, क्यों बोलने से मेरा TDS बहुत कम है। अगर 500 नहीं तो 300 मिलीग्राम पर लीटर का जो वाटर को मैं वाटर का जगह पे मैं RO लगा दिया, फिर RO वाटर में जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट क्या हो जाता है, 90% का TDS इनपुट TDS का जो कम करेगा, मेरे को आएगा बहुत कम वाला, 10 का नीचे भी आएगा, 10 का नीचे जो रहने का पानी में पीने से हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर भी ऐसा ही है, डिस्टिल्ड वाटर में जो लिमिट क्या है 5 PPM का नीचे जो रहेगा, इसका बारे में अलग वीडियो में डाल चुका है, वो भी आप दे सकता है, देखने के लिए आप मन रहने से देख लीजिए, उसका लिंक ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। सो इसलिए कभी भी आप RO वाटर लगाने का टाइम में आपका TDS क्या है, आपका जो क्या क्या प्रॉब्लम है, वो क्या वो प्रॉब्लम का हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन लगाना है। आप सीधा जाके मार्केट से एक RO वाटर प्यूरीफायर लगा के RO प्लस UV UF सभी को लगा के आप यूज करने से वो अच्छा नहीं, आपको टेस्ट मिल जाएगा लेकिन उसमें मिनरल नहीं रहेगा, मिनरल का जो पानी हम लोग को पीने से हम लोग को अच्छा नहीं है, ठीक है। यही बात है, यही सभी लोग को मालूम होना चाहिए, सभी लोग को ये अवेयरनेस देने के लिए मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। फिर अवर एक ये जो डिस्कशन है ना, हमारा गवर्नमेंट ने जो बैन करने वाला डिस्कशन अभी तक लेटेस्ट न्यूज उसमें नहीं था, मैं तो पूरा जो गूगल में भी चेक किया उसमें क्या हो जाता है, दिसंबर का मतलब जनवरी फरवरी लास्ट ईयर का जनवरी फरवरी में जो क्या न्यूज है वही मिल जाता है। उसका बाद में क्या डिस्कशन किया, क्या जो RO वाटर मैन्युफैक्चर को जो क्या 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 जो लिमिटेशन जो करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड करना है बोल के बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मालूम होने से इसके बारे में कुछ डिटेल आपको मालूम होने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सो सभी लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा क्या डिस्कशन दे चुका है, क्या डिस्कशन जो बात हो रहा है बोल के सभी लोग को मालूम पड़ेगा। सो उसका पहले आप लेकिन ये चीज यही है, क्यों वो गवर्नमेंट जो बैन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, एक ये चीज है, दूसरा ये क्या है, कभी भी RO वाटर यूज करने से क्या हो जाएगा, वेस्ट वाटर बहुत हो जाता है, वो भी एक कारण है, जो मतलब क्या है, हम एक ग्लास का पानी हम लोग को पीने के लिए हम लोग को 3 ग्लास का पानी हम लोग वेस्ट कर रहा हूँ, जो किधर जो म्युनिसिपल वाटर जो डिमांड है उधर में आप RO वाटर लगाने से क्या हो जाएगा, उधर में डिमांड आवर बहुत मिल जाएगा। इसलिए वो तो चीज के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएट करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, लेकिन आप RO वाटर अच्छा वाला पानी पीना चाहिए तो आप पहले आप स्टडी कीजिए क्या क्या मिनरल्स है, क्या क्या है, आपको क्या चाहिए बोल के पहले स्टडी कीजिए, बाद में उसी का हिसाब से आप RO वाटर प्यूरीफायर लगा दीजिए। सो उसका छोड़ के सीधा मार्केट में लेके RO फिल्टर लगा के पानी मत पिए, अगर मत पीने से आपको अगर पीने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका परिवार में जो आदमी रहेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए वो चेक कर लीजिए, ये वीडियो सभी लोग को साथ जाना है, वो तो बेसिक वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, आपको ये वीडियो अच्छा लगने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए, अगर कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।